जैसे ये छोटे वाहन यहाँ से आ रहे हैं, जैसे ये वाहन यहाँ से आ रहे हैं, ये वाहन यहाँ से आ रहे हैं, अगर बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से आ रही हैं तो साइड में ये जो साइड है जहाँ से छोटे वाहन जाने चाहिए, ये आप देख रहे हैं, ये आपको दिखा रहे हैं, ये स्पेस इसका यहाँ तक है। तो अगर ये स्पेस यहाँ तक है तो फिर ये लोग कैसे जाएंगे? ये मैं आपको अभी अभी हम बात करते हैं, अभी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए भैया, आइए आइए, लगाना है हमको। अगर बड़े बड़े ट्रक आ रहे हैं साइड से, भैया जाएंगे कहाँ से? भैया कहाँ से हैं? हम लोग सर ढरनी से हैं, इंजरी गांव से। इंजरी गांव से जी, थोड़ा सा रात में आप आते हैं? अरे सर रात को आते हैं तो ट्रैक्टर का लाइन लगा रहता है, मोटरसाइकिल चलाना मुश्किल हो जाता है हम लोग को। अब ये देखिए बहुत बड़ी बात, DM साहब तो कुछ और कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप उनसे? अरे सर हम लोग सोचेंगे कि जनता को राहत मिले और क्या। जनता को राहत मिली? राहत मिलने वाली नहीं है। आप देखिए यहाँ तक बालू है, अगर ये बालू अगर साइड से अगर बड़ी गाड़ी आ रही है तो क्या होगा? ये देखिए ये युवा साथी हैं, देश के भविष्य हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप अगर गाड़ी को साइड कर लें, ये बड़ी बड़ी खबर। अभी एक सेकेंड, हाँ आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अरे हम बेकार काम होता है भैया, बहुत बहुत बेकार काम होता। ये युवा भाई लोग हैं और आप लोग रोज आते हैं? डेली आते हैं। डेली कहाँ से हैं? रेवतीपुर से। रेवतीपुर से बालू इसी तरीके से पड़ा रहता है? तरह से डेली पड़ा रहता है, डर लगता है एक्सीडेंट का, बताइए। देखिए डर लगता है एक्सीडेंट का, मैं आपको बता दूं। और भी लोग हैं, मैं यही चाहता हूँ, वीर अब्दुल हमीद सेतु की ये पावन भूमि है और पूरा विश्व। हाँ क्या कल ही एक्सीडेंट हुई थी? अभी अब बताइए, अभी ये साइकिल से अभी इनकी स्थितियाँ क्या होंगी? ये वाहन देखिए, ये इतना बड़ा वाहन, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। एक सेकेंड रुकने की, एक सेकेंड, आइए आप आइए, थोड़ा सा बंद कर दीजिए, थोड़ा सा बंद कर दीजिए। हाँ अब जैसे कि बालू लगा है, आपसे मैं जानना चाहूँगा अगर छोटी गाड़ियाँ हैं कैसे आएंगी? छोटी गाड़ियाँ जैसे बड़ी गाड़ियाँ आपकी हैं, छोटे वाहन कैसे आएंगे? लोग गिर रहे हैं। तब भाई गिर जाए करें, बाल छिटाइल बता था बालू। ठीक है, ये देखिए ये भी यही कह रहे हैं, इनका धन्यवाद। आप हर रोज आते हैं भैया, आप क्या कहेंगे इस पे? सर मैं रोज बाजार जाता हूँ, रोज आता हूँ, हम लोग को ऐसा लगता है कि गाड़ी हम लोगों का स्लिप कर देगी और हम लोग ट्रक के चाहे मतलब ट्रैक्टर के चक्के के नीचे आकर गिर जाएंगे। चक्के के नीचे लोग आए हैं मैं आपको बताऊं, गर्दा इतना पड़ता है धूल में, जैसे बालू उलू मतलब हम लोग की गिट्टी उट्टी सर एकदम फिसल जाती है। अभी हम कल माल लाद के गए रहे कि हम गिर जाएंगे, वहाँ पर ठोकर के पास इतना ज़्यादा बालू लदा है, क्या यहाँ पर लदा है आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर एकदम समझिए हम लोग को नकदम हो गया है। देखिए जो दिख रहा है इसी की बात हो रही है भैया, जो दिख रहा है वो बिक रहा है। यहाँ पे देखिए ये साइकिल से भैया आते हैं। भाई आप क्या कहेंगे रोज आते, नाम क्या है? राहुल यादव। राहुल क्या दिक्कत है बाबू, आप लोग रोज पुल से आते हो क्रॉस करते हो? सर यही बालू वाली दिक्कत है, हम परसों गिर गए थे, गाड़ी को पास करने में ब्रेक लगाए गिर गए, फर्क गया टायर। बताइए बालू को पास करने में भैया ये आप सरकार से क्या कहेंगे? सरकार तो देख रही है, DM साहब देख रहे हैं, रात भर गाड़ी ट्रैक्टर, हम कल रात हॉस्पिटल में से खाना देकर आए, धूल से पूरा भटा गए थे, इतना ट्रैक्टर यहाँ बालू लाद कर जा रहे हैं ना, एकदम हमको जाना आना इधर उधर एकदम दिक्कत हो रहा है। बस गवर्नमेंट से हम लोग को यही कहना है भैया, ये कहने का मतलब कि ये पुल है इसको सफाई चाहिए, हम लोग को ठीक चाहिए कि मतलब हम लोग जाए तो हम लोग को दिक्कत मत हो। रात में गाड़ी स्लिप कर दी हमारी, वहाँ पे देख रहे हैं ना वो ठोकर जो है, वहाँ पे रात में गाड़ी स्लिप कर दी। स्लिप बड़े बड़े नेता भी स्कॉर्पियो गई है, अभी स्कॉर्पियो गई है, फार्चूनर गई है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा रही है भैया। नेता अपने आप को समाजसेवी कहते हैं, कैसे नेता हैं आप जब अपने लोगों के जो लोग आपके यहाँ आते हैं अब आप उनकी लोगों की मदद नहीं कर सकते तो फिर आप अपने आप को नेता कहते हैं, समाजसेवी कहते हैं। और मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, मैं जब वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहा था भैया खुद का धन्यवाद करूँगा। आखिरी बार आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहता हूँ कि अभी भी सरकार जग जाए और अपने लोगों को जगाए और हमारे जो DM साहब हैं वो हमारी विनती सुने और स्वीकार करें ताकि ये पुल का स्वच्छ बनाए, ताकि जो लोग ये साइकिल से अगला व्यक्ति जो है वो अभी फिसल जाता या किसी कारणवश कोई एक्सीडेंट हो जाता, तो अगर इसकी इंतजार प्रशासन कर रही हो तो
क्या? परसों दिन हम वहाँ पे ब्रेक लगाए, ट्रैक्टर पास हो रहा था, हम गिर गए, चोट भी लग। अब यही देखिए, इतनी तेज गति से गाड़ियाँ आ रही हैं, मैं सुशील आपको दिखा रहा हूँ, इतनी तेज गति से ये गाड़ियाँ आ रही हैं साइड में, ये देखिए इतनी तेज गति से ये वाहन जा रहे हैं, और इन्हीं वाहनों के बाद ये जो वाहन चल रहे हैं साइड में, ये बालू के रेत लगे हैं, क्या होगा? होगा क्या? बहुत 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 सारे लोग हैं, मैं जानना चाहूँगा क्या देख रहे हैं आप ये समस्या, बालू की समस्या। मैं हर रोज 8 दिन पहले गिरा हूँ। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब ये देखिए घुटने पे मेरे चोट लगा, घुटने पे बालू में गिरा हूँ, जब भैया के घुटने में चोट लगी है, ये मैं आपको सुशील दिखा रहा हूँ। ये कहनी प्रशासन किसी की भी सरकार हो भैया, हफ्ते भर पहले की बात है, हफ्ते भर पहले। भैया कहाँ से हैं? मैं गाजीपुर शहर से ही हूँ। गाजीपुर शहर से हर रोज़ यही समस्या है? हाँ, मार्केटिंग का काम है मेरा, मुझे रोज इसी रास्ते आना जाना होता है, मैं परसों इसी रास्ते पे गिरा हूँ, मतलब परसों क्या, एक हफ्ते पहले। मैं सुशील तिवारी अपने यूट्यूब चैनल से आपको दिखा रहा हूँ, और मैं ज़रूर चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।